आपको बता दें कि बंगाल भी बीएसएफ की ताकत बढ़ने से यहां पर दायरा जो बढ़ा है उससे वहां पर नाराज है। ममता सरकार इससे तिलमिलाई हुई है। आज तक से बातचीत में बंगाल के मंत्री फिराद हकीम ने केंद्र पर आरोपों की बौछार कर दी। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री फिराद हकीम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक सवाल जो है कि कल बीएसएफ एमएचए की ने नोटिफिकेशन किया है कि बीएसएफ अब 3 राज्यों में जिसमें बंगाल भी शामिल है 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी रेड सर्च ये सब कर सकती है, तो इस पर राज्य सरकार की आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक तो है राज्य सरकार से बात नहीं करके एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ख्याल से नोटिफिकेशन निकालती है। ये एक प्रधानमंत्री जो पहले खुद एक राज्य का मुख्यमंत्री थे उस समय वो फेडरल स्ट्रक्चर लेके बहुत सारे बात करते थे, जो सेंट्रल को स्टेट रिलेशन लेके मोदी जी ने बहुत सारे बात किया और सब जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो सबका भंग कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। 15 किलोमीटर तक बहुत था, 50 किलोमीटर माने आप स्टेट का टेरिटरी में घुस के जो इच्छा वो कर सकते हैं, ये गलत है। स्टेट के टेरिटरी में स्टेट काम करेगा, आपके टेरिटरी में आप काम करिएगा। अगर आपको इंटर स्टेट स्मगल इंटर कंट्री कुछ रोकना है तो 15 किलोमीटर बहुत है, और बॉर्डर को आप अगर ठीक करिएगा तो बॉर्डर से कुछ इस पार उस पार नहीं जाएगा इलीगली। मगर आप उस बहाना से आप फेडरल स्ट्रक्चर का जो नियम है उसे आप उल्लंघन कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को आज पूरी तरह तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। 50 किलोमीटर मतलब एक तरह से तो कलकत्ता के आसपास तक आ जा रहा है, बहुत दूर तक आ जा रहा है, और क्यों आएगा 50 किलोमीटर तक क्यों आएगा? ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट के है, और स्टेट के पुलिस है, स्टेट के डीजी है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में है। ये देश हित के लिए क्या गया ऐसा बोल रहे हैं? ये कोई देश हित के लिए नहीं, ये अपने जो है सब कुछ अपने अंडर में कंट्रोल करने के लिए आस्ते आस्ते वो आगे बढ़ रहे हैं।